अब मान लिया कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, दरिद्रता आ गई है, एक एक पैसे का नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो क्या करेंगे? रोज सुबह शिव जी को जल अर्पित करिए, सादा पानी, प्लेन वाटर, संभव हो तो सफेद चंदन भी शिवलिंग पर लगाइएगा। इसके बाद दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करिएगा और रोज रात को पुनः भगवान शिव के सामने दीपक जलाइएगा और रात के समय भी एक बार दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करिएगा और सावन के महीने में ही एक तांबे का छल्ला या तांबे का कड़ा सावन के किसी भी मंगलवार या रविवार को धारण करिएगा। अगर ये उपाय आप पूरे सावन भर करें, रोज सुबह शाम दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें और शिव जी की पूजा करें, आपकी दरिद्रता दूर होगी और धन का मामला बेहतर होगा। अब अगर आप कर्ज से परेशान हैं, कर्ज की समस्या आपको लगातार परेशान कर रही है, तो कर्ज से छुटकारा कैसे पाएंगे? रोज सवेरे शिवलिंग पर लाल फूल, गुड़हल का या गुलाब का लाल फूल शिवलिंग पर अर्पित करिए। इसके बाद ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय इस मंत्र का जप करिएगा कम से कम 108 बार और इसके बाद शिवलिंग की परिक्रमा करिएगा। लेकिन याद रखिए, शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती, शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा होती है, वो कर लीजिए और इसके बाद कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा सावन में और सावन के बाद निरंतर करते रहते हैं तो कर्ज से आपको छुटकारा जल्दी मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं आपके घर और आपके जीवन के लिए वास्तु टिप। अगर आप अपने करियर में स्थिरता चाहते हैं, करियर को स्टेबल बनाए रखना चाहते हैं, तो जिस कुर्सी पर अपने ऑफिस में बैठते हैं उस कुर्सी को बार बार मत बदलिएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।